हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं गेस्ट सीरीज वीडियो का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्लेन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब प्लेन का सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो प्लेन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, ज्यादा चांसेस किससे है आने का। अब जैसा कि जानते हैं कि 3D से 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा। तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन प्लेन से आता है, अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन को समरी वाइज सोल्यूशन बताने का कोशिश करूंगा और उसका जो डिटेल्ड सोल्यूशन होगा मैं उसको अपने पेज FB पेज पे शेयर करूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वो FB पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं वो 7 क्वेश्चन क्या क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या है कि आपको प्लेन का एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जिस प्लेन पे दो लाइन लाई कर रहा, एक लाइन है, दोनों लाइन का इक्वेशन आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ। एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और दूसरे लाइन का इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और सबसे पहले यहां पे आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जहां पे प्लेन पे ये दोनों लाइन आपका लाई करेगा। उसके बाद आपको उस प्लेन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है जहां पे पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 1, 4। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले चूंकि लाइन दोनों लाइन प्लेन पे लाई कर रहा, तो दोनों लाइन अगर प्लेन पे लाई करेगा तो सबसे पहले आप कंडीशन लगाइएगा कि अगर कोई लाइन प्लेन पे लाई करता तो कंडीशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन प्लेन पे लाई करेगा तो जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और लाइन लाइन जो होगा वो प्लेन पे क्या होगा, पैरेलल होगा क्योंकि वो प्लेन पे लाई कर रहा। तो उस केस में प्लेन का डायरेक्शन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, वो कंडीशन आप लगाइएगा, वहां से इक्वेशन फॉर्म करेगा थी और वहां से आप प्लेन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना कार्टेशियन फॉर्म में जो कि पास कर रहा है दो पॉइंट से। यहां पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 0, -1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 2, 2। और ये जो प्लेन है वो एक लाइन के पैरेलल है जहां पे लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ है और वो लाइन है आपका x -1/1 = y -1/-2 = z -2/3। तो यहां पे क्या कीजिएगा, प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो पहले आप एक जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन लीजिएगा। उस प्लेन पे दो पॉइंट लाई कर रहा तो दो पॉइंट आप लीजिएगा, वहां से दो इक्वेशन फॉर्म करेगा। और चूंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगा तो लाइन के नॉर्मल और प्लेन का नॉर्मल और लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो वहां से आप एक परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाइएगा, तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों को सॉल्व कीजिएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट 6, 5, 9 का एक प्लेन से जहां पे उस प्लेन पे तीन पॉइंट आपका लाई कर रहा। वो प्लेन पे तीन पॉइंट कौन कौन सा है, 3, -1, 2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 5, 2, 4 और तीसरा पॉइंट है -1, -1, 6। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, इस तीन पॉइंट के मदद से पहले आप प्लेन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा। प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद जो गिवन पॉइंट है 6, 5, 9 वहां से उस पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कीजिएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है 2, 1, -1 और एक पॉइंट है -1, 3, 4 और वो एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है और उस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x -2y + 4z = 10। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन का जनरल इक्वेशन लेना पड़ेगा।
प्लेन का जनरल इक्वेशन लेने के बाद वो दो पॉइंट चूंकि प्लेन पे लाई कर रहा है तो दो कंडीशन आएगा, और प्लेन दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाइएगा तो एक और इक्वेशन बनेगा। तो यहां से आपका तीन इक्वेशन बना, तीनों को सॉल्व कीजिएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद एक चीज में और प्रूफ करना है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन उस प्लेन पे लाई कर रहा, तो वही कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन, उसके मदद से हम ये प्रूफ कर देंगे। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में आ रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यहां पे आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो आप प्लेन का इक्वेशन लीजिएगा ax plus by plus cz plus b equal to zero, क्योंकि वो दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाइएगा। तो दो परपेंडिकुलर का जैसे ही कंडीशन लगाइएगा आपके पास दो इक्वेशन आएगा, और वो प्लेन पे एक पॉइंट भी लाई कर रहा है तो वहां से एक कंडीशन आएगा। तो आपका तीन कंडीशन आया, तीनों कंडीशन की मदद से हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन निकाल देंगे। तो ये था आपका फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1। मतलब एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना, वो पास कर रहा 1, 2, 1 से और वो परपेंडिकुलर है एक लाइन पे जो कि ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को 1, 4, 2 और 2, 3, 5। तो जरा गौर कीजिए, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले इस दो पॉइंट के मदद से हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा और लाइन दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही आपका प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो काम करना शुरू करेगा। और एक पॉइंट आपको मालूम है जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट है 1, 2, 1। तो उसके मदद से आप क्या कीजिएगा, प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको एक चीज और दिखाना है, प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, वो लाइन है x + 2 / x + 3/2 = y - 5 - 1 = z - 7 - 1। तो यहां पे आपके पास जो पॉइंट है -3, 5, 7, उस पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, ax1 + by1 + cz1 + d / √√a² + b² + c². तो उसके मदद से आप फाइंड कर लीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि आपको लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है एक पॉइंट का, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7, 14, 15 एक प्लेन से। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ 2x + 4y - z = 2। उसके बाद आपको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है और इसके बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज, सॉरी गिवन पॉइंट और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होगा वो जो पॉइंट है उससे जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्लेन पे तो वो लाइन और प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहां पे चूंकि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, तो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी आपको मालूम है। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और लाइन दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम। वहां से हम पहले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर लाइन को लैम्डा से इक्वेट करेंगे, वहां से एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालेंगे, उसके बाद जाके उसको प्लेन में पुट करेंगे, वहां से लैम्डा आएगा। जैसे ही लैम्डा आएगा आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाएगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद चूंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, गिवन पॉइंट और इमेज का मिड पॉइंट होता है, तो वहां से इमेज निकाल लेंगे और उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये था आपका सात क्वेश्चन प्लेन का, जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन में आने का। इसका सॉल्यूशन मैं समरी वाइज आपके सामने डिस्कस किया। इसका सॉल्यूशन अगर आपको जानना है, देखना है डिटेल्ड में, तो आप मेरे FB पेज पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। ये सात क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से करें और साथ में जो आपका कोर्स का बुक है उसको भी आप अच्छे से करें, लेकिन ज्यादा चांस है कि इस सात क्वेश्चन में से आपका एग्जामिनेशन में आने का। थैंक यू वेरी मच।